नमस्कार मेरे प्यारे युवा बंधु, जो बेकार बेरोजगार हैं, हताश उदास निराश हैं, जिनके पास आज रोजगार हेतु अपने भविष्य हेतु कोई मार्ग नहीं है, द्वंद्व में हैं, दो चक्की में हैं, इधर जाएं या उधर जाएं, ये करें या वो करें, ये व्यवसाय करें या वो व्यवसाय करें, इस नौकरी के मार्ग में जाएं या उस नौकरी के मार्ग में जाएं, सॉफ्टवेयर में जाएं या हार्डवेयर में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं या डॉक्टरी में जाएं, पुलिस के लिए कोशिश करें या सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें या प्राइवेट नौकरी के लिए कोशिश करें, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके जीवन में द्वंद्व पे आप जीते हो और इसी द्वंद्व में ही जीवन का बहुत आवश्यक समय बीतते जाता है और आपका जीवन का मार्ग कहीं एक अंधेरा और कहीं एक गुमनाम स्थिति पे चला जाता है और आपका सबसे ज़्यादा शक्ति इसी बात में निकलता है कि मुझे करना क्या है, मुझे किस रास्ते पे चलना है। पिताजी बोलते हैं बेटा डॉक्टर बन, माँ बोलती है बेटा इंजीनियर बन, पड़ोसी और चाचा मामा ताऊ कुछ और सोचते हैं। कोई ये नहीं ध्यान देता कि आप क्या बनना चाहते हो। एक चाहना बड़ा सहज है, टीवी से, फिल्म से या ऐसे आपके संपर्कित किसी लोगों से आप प्रेरित हो जाते हो, इन्फेक्टेड एफेक्टेड हो जाते हो और आप भी ऐसा कुछ सपना देखने लगते हो कि मुझे भी कुछ बनना है। ज़रूर बनिए, लेकिन एक बार ये देखिए कि आपके अंदर क्या ऊर्जा है, ईश्वर ने आपको क्या बनने के लिए दिए हैं, आपके अंदर जो प्लानिटरी एनर्जी है, प्लानिटरी शक्ति है, जो ग्राहिक शक्ति है, आपका लग्न है, क्या राशि है, सूर्य कहाँ बैठे हैं, आपका कर्मेश कौन है, आपका लाभेश कौन है, आपका व्यापारेश कौन है, और उनके साथ अगर आप चलना जब चालू कर दोगे तो फिर आप देखना कि आपके जीवन में द्वंद्व नहीं होगा। आपका अंदर से जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है जन्म के समय से, जिस समय आप जन्म हुए, जहां से कुंडली बनाया जाता है, अगर आप सही से निर्धारित कर सकते कि किस रास्ते पे मुझे चलना है, किसके लिए मुझे भगवान जन्म दिए हैं, कर्मयोग थ्योरी के अनुसार, भारतीय कर्मयोग भगवान कृष्ण के अनुसार और एडगर केसी अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, जिनके तहत हर एक मनुष्य एक स्पेशल एक नोबल कॉज के लिए जन्म हुआ है, तो आप भी तो समझें कि आप किस कारण जन्म हुए हैं। जब आप ये जान लेंगे, जब आप समझ लेंगे और उसी रास्ते पे जब आप चलना चालू कर देंगे तो आपका जीवन निर्द्वंद से सही मार्ग को प्राप्त कर लेगा और आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा, आपका समय बर्बाद होने से बच जाएगा और आप कटी पतंग जैसे नहीं जियोगे, आप राइट सोर्स के साथ जियोगे। आपका जन्म राशि से, लग्न से, और मैं कहूँ सूर्य जहाँ हैं, जिस घर में हैं, वहाँ से आपका कर्मेश का घर, आपका रोजगार का स्थान, आपका लाभ का स्थान, आर्थिक स्थिति के लिए, भले ये जान तो लीजिए कि आप किस लिए जन्म हुए हैं और क्या कर सकते हैं। अगर इतना निर्धारित कर लिए और उसके तहत देखिए कि आप उस रास्ते पे किस बिंदु पे चलेंगे, तो मेरा गारंटी है आप जरूर सफल बनेंगे उस रास्ते पे जाने से। केवल उतना ही नहीं, अगर आप अपने जीवन के सफलतम रास्ते पे चल रहे हैं और ऐसा कुछ भी दुर्योग आपके कुंडली में हैं, कहीं पितृदोष है, कहीं श्रापित दोष है, कहीं आपका काल सर्प दोष है या गुरु चांडाल दोष है, मातृ दोष है, मातृ ऋण दोष है, मातृ श्राप दोष है, नारी श्राप दोष है, इस प्रकार के अगर दोष हैं, ग्रहण दोष है, तो आप बड़ी तेज़ी से आप जीवन में आगे बढ़ते होंगे और सडन वो लूडो गुटी खेलते हैं ना, सांप और सीढ़ी का खेल, आप नीचे जीरो में गिर जाते हो। अगर पहले से आप जीवन में इन
नेगेटिव फील्ड और पॉजिटिव फील्ड को समझ जाए, आगे क्या होने वाला है, आगे रास्ता पे जो आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो आए 50, 100, 90 किलोमीटर पर आवर में या 120 किलोमीटर पर आवर में, अगर रास्ते के बारे में आपको जानकारी हो जाए आपके जीवन का रास्ता में आने वाला समय में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, तो बड़े से बड़े झटका से बच सकते हो, सुरक्षित हो सकते हो। उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक क्रियाएं हैं, कर्मकांड हैं, पूजा हैं, दान हैं, दक्षिणा हैं, अगर इन सब को आप अगर सही से कर लें तो आपका जीवन सुखद और निर्द्वंद और अच्छा से जाएगा और आप सफलता के चरम सीमा तक पहुंच सकते हो। तो इस हेतु मेरे प्यारे युवा बंधु, आप ज्योतिष थोड़ा ज़रूर सीखें, ज़रूर समझें। और मैं नहीं कह रहा हूँ ज्योतिषों के पीछे पत्थर और ये ताबीज टोने टोटके के पीछे पड़िए, लेकिन ज्ञान होना ज़रूरी है, ज्ञान से ही आप जीत सकते हो। तो आप ज़रूर इसके बारे में जानकारी लेवें। नमस्कार।